Children, today we will be studying about blood vessels. Okay, little more about life processes. Now, blood vessels agar dekha jaye, to hamari body mein ye blood vessels teen type ke hote hain. Okay, jin mein khoon daudta hai. Okay, now these blood vessels are arteries, capillaries and veins. Arteries jo hoti hain, wo blood vessels hoti hain jo thode se thicker hoti hain. Okay, aur wo hamesha oxygenated blood leke jaati hain heart se body ke sabhi parts mein. और वेन्स जो होते हैं ये कंपैरेटिवली थिनर होते हैं, आर्टरीज से थोड़े से पतले होते हैं इनके, और ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं. जो इम्प्योर ब्लड है वो वेन्स के थ्रू ट्रैवल करता है बॉडी में. मतलब ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के हर सेल से, टिश्यू से होते हुए हमारे हार्ट तक पहुँचते हैं. और जो वेन्स होते हैं इनमें वैल्व्स भी होते हैं. ये वैल्व क्या होते हैं, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को अवॉइड करते हैं ताकि पीछे की तरफ वापस जो है ब्लड ना ट्रैवल करे. कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो इन दोनों को इंटरकनेक्ट करते हैं, और ये सबसे पतले होते हैं. दे आर वेरी वेरी थिन, अराउंड 0.001 नैनोमीटर्स इन देयर डायमीटर, एंड इट इज़ पॉसिबल फॉर द मटीरियल्स टू गेट एक्सचेंज्ड. अगर एक सेल है तो सेल के अगर ये कैपिलरीज हैं तो केवल कैपिलरीज से एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स होगा, आर्टरीज और वेन से नहीं होगा. बिकॉज इनके वॉल्स जो हैं थिक हैं मगर इसके वॉल्स थिन हैं, तो इसीलिए यहीं से होता है. लेट मी शो यू दिस डायग्राम. हियर वी हैव आर्टरी, आई हैव ड्रॉन रेड कलर्ड आर्टरी एंड आई हैव शेडेड द वेन्स एज ब्लू कलर. सो आर्टरी सेल के आसपास आती है और इसके थ्रू ये वेन्स हैं इंटरकनेक्ट करते हैं इनको ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज आर इंटरकनेक्टिंग दैम. सो द रेड कलर ब्लड दैट इज एंटरिंग एक्चुअली मटीरियल्स डिफ्यूज इन टू द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा ऑक्सीजन, फूड मटीरियल, ड्रग्स, वट एवर मेडिसिन यू आर टेकिंग, इट विल डिफ्यूज इन टू द सेल साइटोप्लाज्म, एंड वट एवर इज द वेस्ट मटीरियल हियर इट एंटर्स इन टू द वेन्स, एक्स्पेशली द कार्बन डाइऑक्साइड इट एंटर्स द वेन्स. अब क्या होता है, वेन्स का जो ब्लड होता है वो इम्प्योर हो जाता है इसमें, और ये इम्प्योर ब्लड जो है इट ट्रेवल्स, आई मीन सॉरी, ये कैपिलरीज में एंट्री करता है, कैपिलरीज से वेन्स में ये चला जाता है, इस तरीके से इम्प्योर ब्लड जाता है. तो इस तरह का कनेक्शन होता है आर्टरीज और वेन्स का, ब्लड कैपिलरीज इनको ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन का. अब ब्लड सर्कुलेशन जो है वो डबल सर्कुलेशन है. वैसे तो हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें एंटायर थिंग इज द साइकिल इज क्लोज्ड. ओके, वेयर एज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ब्लड सर्कुलेशन जिसमें डबल सर्कुलेशन होता है. एवरी टाइम द ब्लड दैट एंटर्स द हार्ट इट एंटर्स ट्वाइस, वंस इट एंटर्स इन द डीऑक्सीजनेटेड स्टेट एंड देन इट एंटर्स इन द ऑक्सीजनेटेड फॉर्म इन एवरी कार्डियक साइकिल. दो बार खून आता है हार्ट के अंदर. ये हार्ट है, ओके, इस हार्ट में ये ब्लू साइड जो है ये इम्प्योर ब्लड का है, और जो रेड साइड है मैंने आपको प्योर दिखा रखा है. ये जो रेड है ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल दो पार्ट होते हैं. आगे हम पढ़ेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर तब आपको समझ में आएगा. ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल है. ये जो हार्ट है हमारा, इसमें जो प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हमेशा लंग्स से आता है. हमने मैंने आपको एक एक एल्वियोलाई ड्रॉ करके दिखाया है. लंग्स में ऐसे मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होते हैं. आई हैव ड्रॉन ओनली अ सिंगल एल्वियोलाई हियर. अब जो ऑक्सीजन है वो इस एल्वियोलाई के अंदर आता है और ये ब्लड के अंदर ऐड हो जाता है, डिफ्यूजस इनटू द ब्लड. तो ब्लड क्या हो जाता है, ब्लड बन जाता है प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी के द्वारा इट रीचेस द लेफ्ट ऑरिकल, देन द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड देन इट इज कैरीड बाय द आयटा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन द सेल्स. ओके, अब सेल्स में क्या होता है, ये प्योर ब्लड आया, जैसे इसमें Hb.O2 हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज देयर. This oxygen will separate from the hemoglobin and enter into the cytoplasm. Cytoplasm के अंदर oxygen आ गया, यहाँ पर यह खाने को जलाएगा और जो है energy बनता है. Energy के साथ साथ carbon dioxide और water भी बनेगा. हम ऐसे लिखते हैं ना, food gets oxidized by oxygen to form carbon dioxide, water as well as energy. Energy तो हमें चाहिए, ये तो ATP के form में store हो जाएगी, मगर जो कार्बन जो वाटर है वो साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाएगा. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है केवल यही एक वेस्ट है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा. ये बार बार होता रहेगा तो कंसेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का साइटोप्लाज्म में ज़्यादा होता है, तो इट विल मूव आउट ऑफ द साइटोप्लाज्म इनटू द कैपिलरीज,
वहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑलरेडी है जिससे ऑक्सीजन अलग हुआ था, वो इसके साथ कंबाइन करके HB.CO2 यानी कि कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाएगा जो कि इस वेन के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में पहुंच जाएगा हार्ट में, हार्ट के राइट साइड में आएगा, राइट साइड ऑफ द हार्ट से ये जाएगा कैपिलरीज में, दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज रीचिंग द कैपिलरीज ऑफ द एल्वियोलाई और फिर यहाँ से ये डिफ्यूज आउट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से डबल सर्कुलेशन होता है। अब इस डबल सर्कुलेशन में देखो, एक बार हार्ट में एक कार्डियक साइकिल में दो बार खून आया, पहली बार ये डीऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में आया और फिर से ये आया तो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आया, तो इस तरीके से डबल सर्कुलेशन होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हार्ट और लंग्स के बीच में एक सर्कुलेशन और हार्ट और सेल्स के बीच में एक सर्कुलेशन, इसलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। नाउ चिल्ड्रन, द पॉइंट अराइजेस हाउ गैसेस गेट ट्रांसपोर्टेड। नाउ लेट्स सी, मेनली तो हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बोलते हैं। अब जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रैवल करता है। ऑक्सीजन जब एल्वियोलाई के अंदर आता है तो एल्वियोलाई के कैपिलरीज में हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन का रेड पिगमेंट के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके HB.O2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसको लंग्स से हार्ट में और हार्ट से बॉडी के सभी सेल्स तक पहुँचाता है। फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में तीन टाइप से डिफ्यूशन होती है। नाउ एक तो ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाता है, अप्रॉक्सीमेटली 20 से लेकर 25% कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। वो जिस तरह से ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन किया था, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा और एक अमाइन ग्रुप और ऐड होता है, तो ये बन जाता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। इसे लेके जाया जाता है, दिस विल ट्रैवल फ्रॉम द टिश्यूज और द सेल्स यू कैन से टू द हार्ट एंड देन टू द लंग्स फॉर इट्स रिमूवल। वाइल वी ब्रीथ आउट इट विल गेट रिमूव्ड। ओके, द रेस्ट अराउंड 70 to 72% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन्स विथ वाटर मॉलिक्यूल दिस वे। इट विल कंबाइन विथ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेस टू फॉर्म बाइकार्बोनेट्स। दिस विल डिसोसिएट टू फॉर्म बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन्स। दिस बाइकार्बोनेट फर्दर कंबाइन्स विथ आयन्स लाइक सोडियम और पोटेशियम, ओके, टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अब जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है इस कॉम्बिनेशन से, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट एल्वियोलाई में जब पहुंचता है तो ये दोनों डिसोसिएट हो जाते हैं। इस तरीके से हाइड्रोजन डिसोसिएट होगा, अलग होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज आउट हो जाएगा। जबकि केवल 3% जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट गेट्स डिजॉल्व्ड इन द ब्लड प्लाज्मा एंड इट इज कैरिड बाय द ब्लड प्लाज्मा। दिस इज फॉर द डे, टेक केयर, आई विल सेंड द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।